आप सभी को जस्ट विद पंकज सिन्हा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपने देखना शुरू कर दिया है इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन माया मुह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूँगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा वहाँ एक गिलहरी अपने मुँह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुँह से छूटकर सरोवर में गिर गया गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई उस गिलहरी ने ये कार्य करना जारी रखा बुद्ध उसे देख रहे थे लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही तभी बुद्ध सोचने लगे ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ ये तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूं आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ सी गौतम बुद्ध की शिक्षा प्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए और ये जो भी असफलताएं आती है उनसे हमें सीख लेकर आगे बढ़ाना होता है एक और कहानी सुनाता हूँ कृपया ध्यान दें। गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जाने के लिए आतुर थे तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुनो एक नगर में एक शेठ रहता था उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया तभी शेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो शेठ ने उसे रोककर कहा महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाए साधु ने शेठ की तरफ देखा और बोला हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और शेठ उसकी ही राह देख रहा था शेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया लेकिन शेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वही के वही रुक गया शेठ बोला महाराज इसमें तो कूड़ा है तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा तभी शेठ ने कहा इसे साफ कर दीजिए साधु ने उसे साफ कर दिया शेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब शेठ ने कहा महाराज आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए क्या आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था साधु बोला क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला तो सुनो मेरे कमंडल में कूड़ा था तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया इसी तरह तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ और मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है पहले उन्हें साफ करो तब तुम कुछ पा सकोगे शेख को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरा या कमी होती है हमें उनके बारे में पता कर और उन्हें दूर कर आगे बढ़ाना चाहिए वेलकम ऑल ऑफ यू टू जस्ट विद पंकज सिन्हा यू चैनल यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग बेस्ट विशेज इन एडवांस फॉर दस आई होप यू लाइक इट एंड यू विल ऑल्सो शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो लेट स्टार्ट This incident happened in those days when Gautam Buddha was doing penance in search of enlightenment and various types of questions were arising in his mind. He wanted answers to his questions but despite many attempts he did not get success. To attain enlightenment he started doing severe penance, endured many hardships and travelled to many places but he did not get the solution he wanted. One day, some depressing thoughts started coming in the mind of Gautam Buddha and he started thinking that he had given up money, illusion, attachment and all the things of the world, then he did not attain enlightenment and would he ever be able to attain enlightenment and I what should be done next? Many similar questions formed in the mind of Gautam Buddha were happening. Gautam Buddha was not seeing any ray of success in his penance, and he had left no stone unturned in his efforts. He was thinking about these questions with a sad mind, then during this time he felt thirsty and he got up from his seat to drink water. Went to the lake. There they saw an amazing scene where a squirrel came near the lake with some fruits in its mouth, and the fruit slipped out of its mouth and fell into the lake. The squirrel saw that the fruit was going into the depth of the water. Then the squirrel jumped into the water and soaked its body in the water and came out. And after coming out, it shook off the water from its body and again jumped into the lake. Continued to work. Buddha was watching him, but the squirrel was unaware of this and he continued busy in his work. Then Buddha started thinking what kind of squirrel is this which will never be able to drain the water of the lake but it did not lose courage and with all its might it tried to empty the water in the lake. Engaged in. Suddenly a thought arose in the mind of Gautam Buddha. This is a squirrel yet it is busy in achieving its goal and I am a human being. When I did not attain enlightenment, I started feeling despair in my mind. Now I am again in penance. We'll join in. In this way, Gautam Buddha received education from the squirrel and started doing penance, and then a day came when he attained enlightenment. Lesson We learn from the instructive story of Gautam Buddha that we should never give up due to failures in life, and we have to learn from whatever failures come and move ahead. Let me tell you another story, please pay attention. Gautam Buddha was sitting at one place and roast in meditation and after some time when he opened his eyes he found his beloved disciples in front of him all the disciples were eager to know something from Gautam Buddha then one disciple came forward and said we want to know what is the real value of the teachings while addressing the disciples, Gautam Buddha said that it is not necessary that any saint should give a sermon only by giving a complete explanation. Rather, he can explain the importance of the sermon through any action or gesture, and in this regard, I will carefully tell you a story. Listen, there lived a shait in a city. He had immense wealth, and his business was spread far and wide. One day, a saint came to his door to ask for alms. Then Shait gave him alms, and when the saint started leaving, Shait stopped him and said, "Maharaj, please give me some advice." The monk looked at the monk and said, "I will preach when I return after a week." As per his promise, the sage came again, and Shait was waiting for him. Shait had prepared various dishes to give him. The sage placed his commandal in front of him, but as soon as Shait started putting some dishes, his hand stopped at the same place. The Shayth said, Maharaj, there is garbage in it. Then the sadhu looked at him with a questioning eye. Then the Shayth said, Clean it, the Sadhu cleaned it. Shait put food items in it. When the monk started leaving after taking the alms, Shaykh said, Maharaj, you are going and have you forgotten that you had promised to preach to me today. The monk said, didn't you get the advice? So listen, there was garbage in my kamandal, then you did not put food items in it, rather you got it cleaned. Similarly, there is so much evil inside you filled with lust, anger, greed and attachment at sea. First, clean them. Only then you will be able to achieve something. Shait understood the importance of the sage's advice and decided to adopt it in his life. Lesson from the instructive story of Gautam Buddha: We learn that there is some evil or deficiency within all of us. We should know about them and remove them and move forward.